चलिए आगे बढ़ते हैं, कौन बनेगा मुख्यमंत्री में, अब बात उस मास्टर स्ट्रोक की करेंगे। दरअसल जिसकी यहां पर चाल शतरंज की चाल से भी ज्यादा टेढ़ी है, क्योंकि जो हाथी अपनी कमान हाथ को सौंपने की पूरी तैयारी कर चुका था, वो हाथी ना सिर्फ हाथ से नाराज हो गया बल्कि अब हाथ के खिलाफ ही चाल चल रहा है। लेकिन इस बार इस बेबाकी वाले हाथी का बगावत कौन है, ये मास्टर स्ट्रोक देखिए, क्योंकि ये मास्टर स्ट्रोक प्रदेश की राजनीति बदल देगा। हाथी की चाल वैसे तो मदमस्त होती है और कहा भी जाता है कि हाथी चला अपनी चाल, लेकिन क्या सियासी हाथी जब हाथ का साथी नहीं बना तो क्या ये सच में हाथी की अपनी चाल थी, या फिर उसके पीछे बीजेपी के चाणक्य की वो चाल जिसने हाथ और हाथी के बीच का संबंध दूर कर दिया, तो क्या हाथी को अपना नया महावत मिल गया है, और क्या यही वजह है कि राजस्थान में बसपा 200 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है। बसपा कहती है कि इससे कांग्रेस को नुकसान होगा, तो क्या जिसके साथ गठबंधन की बात की उसके खिलाफ इतनी ठन गई कि अब गले मिलने की जगह सियासी गलियारों में पटकनी की तैयारी है। लेकिन क्या बीजेपी बसपा के हाथी की सवारी कर रही है, जहां हाथी पर बसपा के महावत होंगे लेकिन हाथी चलेगा कहां, कितना चलेगा और किस तरफ चलेगा, ये सब बीजेपी तय कर रही है। जरा इतिहास पर गौर फरमाइए, 1998 में बसपा ने 108 प्रत्याशी उतारे थे, 2 प्रत्याशी जीते थे। 2003 में 124 सीटों पर चुनाव लड़ा था, 2 प्रत्याशी जीते थे। 2008 में बसपा ने 6 सीटें जीतने में कामयाबी हासिल की थी। 2013 में 195 सीटों पर चुनाव लड़ा और 3 जगह जीत मिली। यहाँ जरा वोट के प्रतिशत पर भी नजर डालिए तो पता चलेगा कि बसपा कैसे हाथ का खेल बिगाड़ने की ताकत रखती है। 2003 में बसपा को 3.98% वोट मिले थे, 2008 में बसपा को 7.60% वोट मिले थे, 2013 में बसपा को 3.37% वोट मिले थे। अब आपको ये भी बता देते हैं कि जिस तरीके से SC ST एक्ट को लेकर दलित समाज में आक्रोश है और उसका कांग्रेस की तरफ जाने का इशारा है, ऐसे में अगर बसपा और कांग्रेस का गठबंधन हो जाता तो बीजेपी को यकीनन नुकसान होता। लेकिन ये गठबंधन तो टूटा ही, साथ ही एक मास्टर स्ट्रोक चला गया जिसके मुताबिक 200 सीटों पर ही बसपा मैदान में होगी, और यकीनन इसके पीछे दलित वोटों को ऐसा तोड़ना होगा कि कांग्रेस को नुकसान हो। तो क्या सच में बसपा के हाथी को कमल का महावत चला रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज़।